एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिसेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे से समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों ले आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी दो मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान हुआ, जिनको ग्रेस नंबर, तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 1500? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा, रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी। क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर है चीज़ों को वापस सही करने की। क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल, रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। नहीं, आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंघानिया लॉ फर्म्स एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया। एक मिनट।